अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा विचलित रहता है
और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है।